नमस्ते एंड वेलकम टू कैंपस वाला। आई एम साक्षी जैन और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कर्नाटका के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, जहाँ से आप BHMS कर सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2021 का रिजल्ट आ चुका है, तो मैं आपके लिए कर्नाटका के कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट लेके आई हूँ, जहाँ से आप BHMS बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी को परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर। ये गवर्नमेंट कॉलेज है जो एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। इट इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और इसकी फीस है 50,000 रुपीज टू 52,000 रुपीज पर ईयर। नंबर 2 पे है भगवान बुद्धा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो एस्टैब्लिश हुआ था 1996 में। इट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और इसकी फीस है 1.4 लाख रुपीस पर ईयर। नंबर 3 पे है फादर मुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में। इट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी और इसकी फर्स्ट ईयर की फीस है 3 लाख रुपीस। नंबर 4 पे है रोजी रॉयल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1998 में। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है विच इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इसकी फीस है 2 लाख रुपीस पर ईयर। नंबर 5 पे है यूनोपोया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैंगलोर। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो अप्रूव्ड है UGC से और इसकी फर्स्ट ईयर की फीस है 3.5 लाख रुपीस। फिर सेकेंड ईयर से इसकी फीस रहेगी 2 लाख रुपीस पर ईयर। नंबर 6 पे है AM शेख होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेलगम। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1967 में। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो अप्रूव्ड है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से और इसकी फीस है 80,000 रुपीस पर ईयर। नंबर 7 पे है अलवाज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2004 में। इट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। इट इज अ प्राइवेट कॉलेज और इसकी फीस है 1.76 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर की। नंबर 8 पे है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुलबाग। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1980 में। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो अप्रूव्ड है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से और इसकी फीस है 28,590 रुपीस फर्स्ट ईयर की। नंबर 9 पे है डॉक्टर BD जट्टी मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर धारावाद। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो अप्रूव्ड है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से और इसकी फीस है 1.25 लाख रुपीस पर ईयर। नंबर 10 पे है श्री सत्य साई कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक कॉलेज एंड मेडिकल साइंस धारावाद। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में। ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से और इसकी फीस है 1.35 लाख रुपीस पर ईयर। तो ये थी कर्नाटका के कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, जहां से आप BHMS परस्यू कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी एक काउंसलिंग टीम है जो आपको पूरे प्रोसीजर में गाइड कर सकती है और जो आपके स्कोर्स के बेसिस पे आपको कॉलेज भी सजेस्ट कर सकती है। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।